हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं अपने घर ईदगाह कटघर आगरा से मैं कैला देवी के लिए ये साइकिल यात्रा शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आगरा से कैला देवी की दूरी जो कि 180 किलोमीटर की है, तो ये मैं लगभग दो दिन में पूरी कर लूँगा। तो दोस्तों, और इस समय कैला देवी का बहुत बड़ा मेला चल रहा है, जो कि आगरा से, फिरोजाबाद से, हाथरस से, अलीगढ़ से पैदल यात्रा जारी है। और पैदल यात्रा भी मैं आपको दिखलाऊंगा, जगह जगह आपको लंगर भंडारे वगैरह लगे हुए मिलेंगे यात्रियों की सहूलियत के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस समय चंद्र ब्लॉग में, और इस कैला देवी की यात्रा का आप आनंद लीजिए। दोस्तों देखिए, कैला देवी के लिए हमारी यह यात्रा हमारे घर से शुरू हो चुकी है, और अभी हमें शहर पार करने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बयाना पहुंच जाएं। बयाना पहुंच करके आज हम वहाँ विश्राम करेंगे। इस समय हम सहागंज के बाज़ार से गुज़रते हुए, और ये अभी हमारी शुरुआत है। अभी हम जैसे ही हाईवे पर पहुंचेंगे, तो वहाँ से पैदल यात्रियों का जत्था शुरू हो जाएगा। आगरा से कैला देवी की जो यात्रा चल रही है, और ये करीब करीब एक हफ्ते रहेगी, जो कि बिल्कुल लाइन नहीं टूटेगी कैला देवी भवन। ये दोस्तों, ये फोर लेन का रोड है, और यहाँ से इसको वन वे कर दिया गया है, और एक साइड इसकी बंद कर दी गई है, क्योंकि जो पैदल यात्री हैं, एक साइड से पैदल यात्री चल रहे हैं, और इसी रोड पर अधिकतर भंडारे लंगर लगे हुए हैं, और जो दूसरा साइड है उधर अप एंड डाउन का कर दिया गया है। और अभी जो आगे हम जो भंडारा आपको दिखलाएंगे, वो नामनेर का है, आगरा में नामनेर ईदगाह का, और बहुत ही अच्छी सजावट रहती है, बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है वहाँ। वो 1 तारीख से 5 तारीख तक चलेगा। देखिए दोस्तों, यह नामनेर का भंडारा लगा हुआ है, और यह अभी तैयारी चल रही है सुबह नाश्ते की और दोपहर को खाने की, और पदयात्री जय माता दी कहते हुए अपने आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जो अभी नामनेर का जो भंडारा था, ये 19वां भंडारा है, और लगातार ये 18 साल लगने के बाद ये 19वीं साल लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हम सुबह उस भंडारे पर गए थे, तो अभी कुछ वह खास नहीं था, क्योंकि ये 1 तारीख से लगातार चल रहा है, तो अभी सुबह का समय है, तो इसलिए यात्री कुछ खाते पीते हैं नहीं है। और जो यात्री पैदल चल रहे हैं, जो थक जाते हैं, वो देखिए किस तरह से यहाँ रोड के किनारे बैठ जाते हैं और विश्राम करते हैं। इस समय दोस्तों हम करावली में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ से हम करावली सिटी के अंदर से होकर के निकलेंगे, बाईपास पर नहीं जा रहे हैं हम। करीब करावली आगरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। झांकियों के साथ पैदल यात्री चले चले जा रहे हैं, और देखिए किस तरह से ये डीजे और झांकियों के साथ जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम 35 किलोमीटर दूर आगरा से फतेहपुर सीकरी आ चुके हैं, और यह जो है राजस्थान के बॉर्डर पे है, और ये जो हाईवे जा रहा है, ये भरतपुर जयपुर के लिए जा रहा है, और हम निकल रहे हैं फतेहपुर सिटी के अंदर से। ये गुलाब शंकर दरवाज़ा और बाज टावर भी है, ये घड़ी भी लगी हुई है। देखिए दोस्तों, इस समय हम फतेहपुर सीकरी से दूसरे गेट से हम निकल चुके हैं, जो कि हम कुछ ही समय में राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे, और ये यहाँ से पैदल यात्रा बदस्तूर जारी है।
और जो लोग बाग थक जाते हैं वो देखिए किस तरह से यहाँ विश्राम कर रहे हैं। और पदयात्रियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है पैदल चलने के लिए। और देखिए यहाँ इसी तरह से ये एक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक बिल्डिंग है। दोस्तों इस समय हम मंडी मिर्जा पर एक लंगर पे हैं, तो यहाँ देखिए ताज़ी ताज़ी गरम गरम ये बेड़ई लाई जा रही है और हमने भी यहाँ बेड़ई का नाश्ता किया है और बहुत ही स्वादिष्ट ये बेड़ई है। और आप देखिए किस तरह से ये यहाँ बेड़ियाँ बनाई जा रही हैं, सेकी जा रही हैं। और यही बेड़ियाँ अभी वहाँ भंडारे में लंगर पर पहुँच करके यात्रियों को दी जाती हैं। दोस्तों देखिए इस समय हम ये आगरा डिस्ट्रिक्ट का ये यूपी का आखिरी गांव था डावर। हम डावर को पार करने के बाद अब हम राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। और दोस्तों देखिए इस समय हम खानवा मोड़ आ चुके हैं और इस समय 11:25 हो रही हैं। तो यहाँ से हमारा रास्ता अलग हो जाएगा। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पैदल वालों का रास्ता है, यहाँ से पैदल वाले जाएंगे। और इस रास्ते से हम आए थे जो कि अभी आगरा यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम 55 किलोमीटर की राइड, साइकिल राइड हम कंप्लीट कर चुके हैं। और बयाना यहाँ से अभी 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम बयाना में ही जा कर के स्टे करें। दोस्तों जो पैदल वाला रास्ता था वो उधर गंभीर नदी से होकर के इधर कच्चा रास्ता है, उधर से निकलेंगे। और जो हम चल रहे हैं ये अलग एक रास्ता है, इससे सारे वाहन वगैरह इसी से जाते हैं। और इस समय हम गंभीर नदी से गुजर रहे हैं और हमने जब भी इस नदी पर आए हैं हमने इसमें कभी भी पानी नहीं देखा है। आज भी सूखी पड़ी है, पहले भी सूखी थी। बड़ाई दे दो। चलो, और ये देखिए गन्ने का जूस हमने ले लिया है और इसको पीते हैं, फिर आगे की यात्रा हमारी जारी रहती है। और गर्मी इस समय बहुत है। दोस्तों देखिए हमने 55 किलोमीटर राइड करने के बाद हमने खानुआ मोड़ से 1 किलोमीटर आगे आकर के हमने ब्रेक लिया था। यहाँ पर हमने गन्ने का जूस पिया और आधा घंटा हमने यहाँ रेस्ट लिया। तो थोड़ा विश्राम करने के बाद हम आगे अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और चलते हैं माँ कैला देवी भवन के लिए। दोस्तों देखिए जब खानुआ मोड़ से इधर उदावल वाले रूट पर चलते हैं तो रास्ते में हमें ये पहाड़ मिलते हैं और ये पहले काफ़ी बड़े पहाड़ थे, इनको काट काट करके बहुत छोटा कर दिया गया है। और देखिए दोस्तों हम अब उसी रास्ते पर आ गए हैं, वो वाला जो पैदल वाला रास्ता था, जो पैदल यात्री आ रहे थे वो अब इस रोड पर आ जाएंगे, वो रोड और ये रोड एक हो जाएगा। दोस्तों इस समय हम मुरिका मोड़ आ चुके हैं जहाँ पर ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पैदल वाला रास्ता है। पैदल वाले यात्री भी अब इसी रास्ते पर आ गए हैं और वाहन वाले तो हैं ही हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पैदल वाला रास्ता है जो पैदल यात्री आ रहे हैं और यहाँ से पैदल, और ये वाहन वाला रास्ता जो जिधर से हम आए थे, अब हमको इस तरफ जो ट्रक जा रहा है इधर जाना है। दोस्तों इस समय हम आगरा से रुदावल आ चुके हैं और आगरा से रुदावल की दूरी है कम से कम 75 किलोमीटर करीब। तो हम यहाँ 1:30 आ गए थे लेकिन हमारी जो साइकिल है ये आज हमारा धोखा दे गई, इसकी एक टांग टूट गई थी तो साइकिल पंचर हो गई और इसको फिर हम बनवाने ले गए, हमको ये सारा सामान यहाँ उतारना पड़ा। तो साइकिल बनवा करके आए हैं, थोड़ा हमने यहाँ ब्रेक लिया है, करीब 1 घंटे हमने यहाँ रेस्ट किया है और अब 3 बज रहे हैं और अब हम आगे चलते हैं। तो आज हम बयाना पहुँच करके बयाना में हम आज स्टे करेंगे। और ये देखिए दोस्तों आगरा में परसों से पूरी तरह से ये श्रद्धालु कैला देवी के लिए निकले थे, तो ये रुदावल से भी आगे पहुँच चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं इस यात्रा के दौरान कि ये पैदल यात्री कहाँ तक पहुँचते हैं। दोस्तों हम सूपा से गुजर रहे हैं और ये बनबैराठा स्टेशन यहाँ पास में है। तो ये नदी है लेकिन नदी बिल्कुल सूखी हुई है और यहाँ से बयाना करीब करीब 8 किलोमीटर करीब है बयाना। देखिए दोस्तों जिस समय हम
खानवा मोड़ से गुजरे थे, तो वहाँ से हम जैसे ही वाहन वाले रास्ते पर चले तो ये गंभीर नदी पड़ी थी, और फिर से हमें बयाना से पहले गंभीर नदी पड़ी है और फिर आगे भी हमें पड़ेगी क्योंकि यही नदी घूमती रहती है। देखिए दोस्तों, ये पेट्रोल पंप है बयाना से पहले 2 किलोमीटर पहले ये पेट्रोल पंप है, और इस पेट्रोल पंप पर आज हम स्टे करेंगे और ये काफ़ी भीड़ यहाँ रात को स्टे करेगी, पूरा फुल हो जाएगा। और ये जो सामने जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं, और ये पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनकी तरफ से ये टेंट लगे हुए हैं, रुकने की व्यवस्था है। और यहाँ अभी एक साइड में यहाँ खाना भी तैयार हो रहा है, जो कि लंगर चलेगा यहाँ शाम को रात को। और देखिए, ये शाम का समय है और सामने गंभीर नदी का पुल है, और प्रकारपार्थी इस पुल से चले आ रहे हैं पैदल, और बहुत ही सुहाना और मनोरम दृश्य है। और गाड़ियों में डीजे लगे हुए हैं, लांगुरियाँ चल रहे हैं। दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आज मेरा कैला देवी साइकिल यात्रा का दूसरा दिन है, और हमने इस पेट्रोल पंप पर रात को स्टे किया था, और ये हमारी साइकिलें लगी हुई हैं। लेकिन कल यहाँ एक दुखभरा हादसा हो गया, उसकी वजह से कल हम शाम को शूट नहीं कर पाए। कल एक व्यक्ति की मौत हो गई। मैं अभी आपको ट्रक दिखलाता हूँ, वो ट्रक भी यहाँ खड़ा हुआ है, जिसका उस ट्रक का काफ़ी नुकसान भी कर दिया गया है। तो यहाँ काफ़ी देर तक ये यात्रा बाधित रही थी और बंद रही थी, तो यहीं पर काफ़ी भीड़ जमा थी। करीब रात के 12 बजे के बाद यह यात्रा चालू की गई थी। ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, इस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, और पब्लिक ने इस ट्रक के तोड़फोड़ भी की है। और यहीं गांव के व्यक्ति की मौत हुई थी। तो काफ़ी देर तक यहाँ जाम लगा रहा, पूरा रोड बंद था। तो दोस्तों आज मेरा दूसरा दिन है, और हम बयाना से चलते हैं, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, और आज शाम तक भवन हम पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बयाना पर रेलवे जो फाटक था उसके ऊपर ये फ्लाई ओवर बनाया गया है, और ये काफ़ी सालों से बन रहा था, लेकिन 2024 में ये बनकर तैयार हो गया है। तो यात्रियों को और वाहनों को बहुत ही सुविधा है इस पुल के बनने पर। तो हमारी ये यात्रा का दूसरा दिन है, और कल हमने गंभीर नदी को 2 बार पार किया, और ये तीसरी बार फिर बयाना से आगे ये गंभीर नदी, हम फिर गंभीर नदी को पार करेंगे। और आप खुद ही देख ही रहे हैं कि किस तरह से इस गंभीर नदी के पुल पर ये माँ कैला देवी का पैदल यात्रा का कारवां जा रहा है। तो हम अपना पहला पड़ाव आज दूसरे दिन का हम सूरत पहुँचते हैं, उसको पार करते हैं। दोस्तों दूसरे दिन की ये हमारी यात्रा के दौरान हम अपने बयाना से पहले पड़ाव सूरत आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं सूरत का बाज़ार सुबह सुबह। दोस्तों देखिए, हम सुबह बयाना से चले थे, तो इस समय 9:30 बज रहे हैं, हम हिंडौन आ चुके हैं, और ये आप हिंडौन का बाज़ार देख रहे हैं, और साथ में पैदल यात्रा जो श्रद्धालु चल रहे हैं पैदल यात्री। श्री महावीर जी मोड़ आ चुके हैं, और एक रास्ता यहाँ से श्री महावीर जी के लिए जा रहा है, और श्री कटघर बालाजी होते हुए गंगापुर सिटी के लिए आगे से 2 रोड हो जाएंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, करौली यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो आप सीधा रोड देख रहे हैं, ये
श्री महावीर जी के लिए जा रहा है, सवाई माधोपुर के लिए जा रहा है और हम इस रोड पर जा रहे हैं। तो ये रोड माता कैला देवी जी के लिए जा रहा है। दोस्तों देखिए, हमने दोपहर को अभी कहीं पर भी खाना नहीं खाया था, तो हम करौली शहर से साइकिल सही करा के निकले थे। तो अब हम यहाँ छोले भटूरे हमने लगवाए हैं, एक रेस्टोरेंट है, तो ये छोले भटूरे खाते हैं और फिर हम यहाँ अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। दोस्तों देखिए, इस समय हम करौली में चल रहे हैं और हमारी साइकिल एक जगह ख़राब हो गई थी, जो पाँचना बांध है उससे पहले जो जंगल पड़ता है, अंजनी का मंदिर पड़ता है उससे 3-5 किलोमीटर पहले जो पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ हमारी साइकिल ख़राब हो गई थी। वहाँ से हमारे भाई वगैरह आगरा से आ रहे थे, तो उनकी बाइक पर हम साइकिल रख के लाए हैं और हम करौली शहर में हमने नया ट्यूब डलवा दिया है। तो अब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ से 23 किलोमीटर की दूरी पर है माँ कैला देवी का मंदिर। दोस्तों आखिर हम कैला देवी आ चुके हैं और अभी हम कुछ सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये काली सिल नदी, इसको पार करते हैं और यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर भवन है। तो आज तो हम दर्शन शायद नहीं करें क्योंकि आज हमें रुकने की व्यवस्था देखनी है, कहाँ पर हम रुकते हैं, हमें उस धर्मशाला में जगह मिलती है कि नहीं। इस धर्मशाला में हम रुके हुए हैं दोस्तों, हम कल शाम को इस धर्मशाला में आ गए थे और हम अभी आपको दिखलाते हैं हमारी साइकिल वगैरह। और ये हमारा रूम है, ये सारा हमारा लगेज पड़ा हुआ है, ये हमारी दोनों साइकिलें हमने इसी रूम में एडजस्ट कर ली थी। और हम शाम को कल यहाँ आ गए थे तो आज हम सुबह दर्शन करने जा रहे हैं। तो हम साइकिल के द्वारा यहाँ कैला देवी आ चुके हैं और अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और सुबह का समय है, आप खुद देख लीजिए किस तरह का माहौल है। ये खतरों से सावधान रहें। दोस्तों देखिए, ये मेरी आगरा से कैला देवी के लिए साइकिल यात्रा थी और जो कि साथ में पैदल यात्रा भी चल रही थी, वो जो आपको मैंने यहाँ पूरे आगरा से कैला देवी के लिए दिखलाया। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ और यह मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ धन्यवाद। और आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक धार्मिक वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में।